नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरी तुझे, इतना भी चाहो ना मुझे। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नज़र ना लग जाए इस सॉन्ग को, क्योंकि दोस्तों ये सॉन्ग है ही इतनी खूबसूरत कि किसी की नज़र भी लग सकती है। और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, करूँगा बड़े खुला से। मैं हूँ आपका दोस्त रवि चौधरी और आप देख रहे हैं तेरी मेरी बात। महज 3-4 घंटे ही हुए हैं और दोस्तों ये सॉन्ग इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि 1 मिलियन क्रॉस करने जा रहा है टी सीरीज़ के ऑफिशियल साइट पर, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको बता दूँ कि इस गाने के जो बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने लिखे हैं। इरशाद कामिल वही है दोस्तों जिन्होंने आशिकी 2, जब वी मेट, जब हैरी मेट सेजल तमाम बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्मों के लिए अपने बोल दिए हैं और आज भी लोग उस गाने को अपने होठों पर गुनगुना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करूं दोस्तों, म्यूजिक कंपोजर जो है रवि बसरूर वही है जिन्होंने प्रशांत नील के साथ डेब्यू किया है और उनकी पहली जो डेब्यू फिल्म थी उर्गम थी, साउथ की फिल्म थी। और आपको बता दूं प्रशांत नील के साथ KGF 3 और KGF सीरीज के अंदर भी उन्होंने अपना म्यूजिक दिया है। वहीं दूसरी ओर जावेद अली को तो दोस्तों बच्चा जानता है, क्योंकि जावेद अली इतने बड़े सिंगर है, इतने अच्छे सिंगर है कि उनके गाने दोस्तों सुपर डुपर हिट होते हैं और गाने के बोल तो इतने खूबसूरत हैं कि पहली झलक में ही दोस्तों ये गाना सुपर डुपर हिट है। अमाला पॉल जो है तमिल और मलयालम इंडस्ट्री में काम करके आई हुई है और बॉलीवुड में इनका डेब्यू है। वहीं बताऊं मैं आपको, अमाला पॉल की परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिख रही है इस वीडियो के अंदर, इस गाने के अंदर जिस हिसाब से उनकी एक्टिंग है, जो अजय देवगन के साथ उनका एक केमिस्ट्री है दोस्तों, एक लव स्टोरी जो दिखाई गई है वो सुपर है दोस्तों, सुपर। और आपको बता दूं दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरी दिखाई पड़ रही है कि अजय देवगन के साथ एक रिलेशन बन जाता है, साथ ही साथ इसमें माफिया लोग अजय देवगन का पीछा करते हैं जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे। और इसमें दोस्तों इनकी एक बेटी होती है, इनका एक अफेयर चल रहा होता है, उनकी एक बेटी होती है, अजय देवगन जेल चले जाता है और हो सकता है कि इसकी एक बेटी जो है उसको माफिया जो लोग है वो अपने कब्जे में कर लेते हैं और अजय देवगन अपनी बेटी को ढूंढते इन दुश्मनों से लड़ता है। ऐसा कुछ स्टोरी दिखाया जाएगा भोला फिल्म के अंदर जो कि 30 मार्च को आएगी, जो मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों भोला फिल्म का जो बजट है वो 50 करोड़ का है और इसके जो प्रोड्यूसर है भूषण कुमार, अजय देवगन और रिलायंस एंटरटेनमेंट। हालांकि बतौर डायरेक्टर और बतौर एक्टर अजय देवगन इस फिल्म में काम भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तब्बू है, विवेक डोबरियाल है जो कि मेन विलन है, साथ ही साथ अन्य कलाकार जैसे संजय मिश्रा है। दोस्तों इनकी एक्टिंग लाजवाब है। फिल्म का VFX जो है दोस्तों, जब पहला टीजर आया था कमाल का VFX था, अजय देवगन की आंखें, अजय देवगन का स्टाइल, एक्शन। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि अजय देवगन का खुद का अपना एक अंदाज है। हालांकि दूसरा टीजर आने के बाद तो फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है और ये नजर ना लग जाए सॉन्ग दोस्तों कोई रीमेक सॉन्ग नहीं है। हालांकि बॉलीवुड कल्चर के अंदर गाने को तो उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश करने का एक कल्चर बना रखा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भोला फिल्म का जो गाना नजर ना लग जाए ये प्योर फ्रेश गाना है और दोस्तों ये गाना सुनने के बाद वाकई में आपको शांति मिलेगी कि बहुत ही खूबसूरत गाना है। गाने का बजट दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग गाने का बजट 1 करोड़ के आसपास का है, कम बजट में गाना शूट किया गया है क्योंकि बनारस के अंदर शूट है दोस्तों, पूरा लोकेशन बनारस का दिखाया गया है और आप देख सकते हैं कि पूरी कहानी जो है बनारस के इर्द गिर्द घूम रही है। अब उम्मीद की जा रही है दूसरा गाना बहुत जल्दी आएगा। फिल्म मेकर्स काफ़ी स्ट्रैटेजी से अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। अजय देवगन दोस्तों बहुत अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी निभा रहे हैं इस फिल्म के लिए। आपके क्या विचार है दोस्तों, पहली बात हमें कमेंट करके बताइए कि गाना कैसा लगा आपको और क्या लगता है भोला फिल्म पहले दिन की ओपनिंग कितनी करेगी, 30 करोड़ के पार, 40 करोड़ के पास या 50 करोड़ के पार। आपने कमेंट करो दोस्तों और इसी तरह अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देते रहो यार, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करने का। जय हिंद जय भारत।